नाउ नॉर्मल फॉर्म, ये नाम है, नाम से ही समझ में आ जाता है कि हमें क्या क्या चीज गिवन है और उसके अकॉर्डिंगली हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है. जैसे ये है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन किसकी है, पॉइंट स्लोप फॉर्म. स्लोप गिवन है और पॉइंट गिवन है तो उसकी इक्वेशन ऑफ लाइन ये होगी. टू पॉइंट फॉर्म यानी इसमें टू पॉइंट गिवन है, लाइन के ऊपर टू पॉइंट गिवन है तो हमें जो है उसकी इक्वेशन ऑफ लाइन ये होगी. ये होगी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये होगी जब वर्टिकल लाइन, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल. ये है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब स्लोप गिवन होगा और हमें वाई इंटरसेप्ट या फिर एक्स इंटरसेप्ट गिवन होगा. नेम से ही देखिए है, ये हो गए इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब हमें दोनों इंटरसेप्ट गिवन है, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट, तो उसकी इक्वेशन ऑफ लाइन ये अलग अलग फॉर्म होगी. वैसे जितनी जो लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन इन्फिनिटी किसमें होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, सबकी सब हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इसी फॉर्म में है. तो इस यदि ये फॉर्म हमें गिवन है तो उससे हम ये सारी की सारी फॉर्म्स निकाल सकते हैं. वो अभी हम ये नॉर्मल वाला फॉर्म होने के बाद में मैं वही लेक्चर है, मैं वही आपको बताऊंगी इसमें मैं. तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग नॉर्मल फॉर्म. तो नॉर्मल क्या है, नॉर्मल क्या है, मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ और स्पेस मिलेगी. नॉर्मल क्या है बताइए, नॉर्मल है ओरिजिन से इस लाइन पर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन, दिस इज नॉर्मल. यहाँ पे देखिए जो मैंने ग्रीन कलर से बना रखा है, जो रेड कलर की तो लाइन है, ये वाइट, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ग्रीन कलर से बना रखा है ये सब परपेंडिकुलर लाइन पर. लाइन कहीं भी हो सकती है, लाइन तो कैसे भी हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, बट इस ओरिजिन से यहाँ पर लाइन पर जो परपेंडिकुलर है दैट इज नॉर्मल. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें कुछ गिवन नहीं है, ना हमें पॉइंट गिवन है, ना हमें कुछ गिवन है. हमें क्या गिवन होगा, देखिए एक तो पी, हमें ये नॉर्मल गिवन है पी, नॉर्मल की लेट लेंथ क्या है, पी है. ठीक है, और ये जो एंगल है ये ओमेगा, मतलब कि ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल का विद द एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल है इस नॉर्मल का, दिस इज ओमेगा. तो ये इस लाइन का किसका, नॉर्मल का, हमें मतलब इंक्लिनेशन गिवन है और हमें नॉर्मल की लेंथ गिवन है. ठीक है, हमें इस लाइन पर कुछ भी गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं. देखिए हमने पहले करा था कि इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, दो लाइन हमारी परपेंडिकुलर है, दो लाइन क्या परपेंडिकुलर हैं, तो उनके जो स्लोप होते हैं m1 into m2 equals to minus 1, दोनों के स्लोप का मल्टीपल माइनस वन, हम यहीं से अपनी शुरुआत करेंगे. ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसका निकाल लेते हैं ओपी का, ओपी नॉर्मल है. अच्छा, यहां मैं थोड़ा सा मैं इसको पहले रब कर दूंगी, उसके बाद में यहां देखिए ना, ये ध्यान रखिएगा, ये ओमेगा ये होगा, और आपको पता ना एंटी क्लॉक क्यों, किससे बनाते हैं, पॉजिटिव एक्सिस से, तो ये वाला ओमेगा होगा डब्ल्यू, यहां पर ये वाला होगा, यहां पर ये होगा, क्योंकि आपको मालूम है लाइन कहीं पर भी है, किससे बनाते हैं, यहां पर ये पॉजिटिव एक्सिस के साथ में बनता है. अब जैसे ये वाली लाइन यहां पर ऐसे करके है, तो यदि हम एंगल इसके साथ में हम ले रहे हैं ये वाला, तो क्या होगा, ये वाला होगा, ये लाइन सपोज ये वाली है, ऐसे देखिए ये लाइन सपोज ये है, तो यहां पर ये वाला है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये ओमेगा. ठीक है, ओके, और स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है, टेन थीटा. तो इसकी ओ ए जो नॉर्मल है उसका स्लोप क्या हो जाएगा, टेन ओमेगा. ओ ए जो नॉर्मल है उसका स्लोप क्या हो गया, टेन ओमेगा. मैं इसको यहाँ पर सबको रब कर दूँ,
स्लोप OA का स्लोप क्या हो गया? 10 ओमेगा. 10 ओमेगा इज इक्वल टू साइन ओमेगा अपॉन कॉस ओमेगा. अब देखिए साइन ओमेगा इक्वल टू क्या होगा? साइन ओमेगा, इसको हमने m मान लेते हैं. साइन ओमेगा इक्वल टू हो गया am अपॉन OA एंड कॉस ओमेगा इक्वल टू हो गया om अपॉन OA. OA हमें गिवन है कितनी है? p. यहां पे इसको p लिख लेते हैं. सो am इक्वल टू हो गया p साइन ओमेगा एंड om हो गया p कॉस ओमेगा. इस वाले पॉइंट के, इस वाले, इसके हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं. इसलिए अभी हमने क्या निकाला था? ये p साइन ओमेगा और p कॉस ओमेगा. तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे यहां पर p कॉस ओमेगा p साइन ओमेगा. तो हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता चल गए a पॉइंट के. अब देखिए हमें स्लोप भी मालूम पड़ गया, हमें स्लोप भी पता है और हमें क्या मालूम है? हमें पॉइंट पता है. तो देखिए स्लोप पॉइंट फॉर्म आ गई. हमें इस लाइन का पॉइंट निकाल लिया हमने और हमें स्लोप पता है. तो हम कौन सी फॉर्म आ गई? वे पॉइंट स्लोप फॉर्म. ठीक है, तो अब इजली हम इसको निकाल सकते. एक सेकेंड, और ये जो ये वाला स्लोप किसका है? ये वाला स्लोप है OA का. अब मैंने बताया था यदि लाइन परपेंडिकुलर है तो क्या होता है? स्लोप m1 into m2 equal to minus 1. तो इट मीन स्लोप ऑफ इस लाइन, ये जो L लाइन है, L लाइन का जो स्लोप होगा माइनस 1 अपॉन OA मीन्स माइनस 10 ओमेगा. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस ओमेगा अपॉन साइन ओमेगा, माइनस कॉस ओमेगा अपॉन साइन ओमेगा. तो इस लाइन का स्लोप हमें पता चल गया और पॉइंट. तो पॉइंट स्लोप फॉर्म ये हो गई. यहां वैल्यू पुट कर देते हैं y माइनस ये y1, यहां पर इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? p साइन ओमेगा इक्वल्स टू स्लोप क्या हो गया? माइनस कॉस ओमेगा अपॉन साइन ओमेगा एक्स माइनस एक्स वन पी कॉस ओमेगा. ये देखिए हमने लाइन की इक्वेशन निकाल ली. अब थोड़ा इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे. हम लोग कैसे निकाली हम लोगों ने? कि हमें नॉर्मल की इसकी लेंथ पता है और हमें इंक्लिनेशन पता है. तो इससे नॉर्मल का हमने स्लोप निकाल लिया और नॉर्मल का स्लोप, और उसी से फिर इस वाले के हमने यहाँ पर पॉइंट निकाल लिए. ये हमने कॉस और साइन ओमेगा हमने पॉइंट निकाल लिए. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए तो कौन सी फॉर्म बन गई? पॉइंट स्लोप फॉर्म बन गई. यहाँ वैल्यू पुट कर दी. अब इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करेंगे. ये इधर चला जाएगा, माइनस का हो गया, इधर मल्टीप्लाई होगा ये. ठीक है, तो इधर माइनस ये. ठीक है, इसको ले जा देते हैं हम. ये माइनस है ना, तो ये आएगा एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा पी साइन स्क्वायर ओमेगा प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा. ये देखिए ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी यहाँ पर ये इसकी, तो यहाँ पर साइन ओमेगा आएगा, इसकी इधर मल्टीप्लाई होगी, माइनस होगा, इधर आके प्लस का बन जाएगा ये. ठीक है ना, और ये यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई हुई तो यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर ओमेगा आ गया. इसका नॉर्मल देख लीजिए, नॉर्मल कैलकुलेशन है. अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा क्या होती है? वैल्यू वन होती है. तो कैप एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल्स टू थ्री. दिस इज द लाइन ऑफ इक्वेशन. ये हो गई हमारी नॉर्मल फॉर्म. कि हमें यदि नॉर्मल गिवेन है तो हम उस लाइन की इक्वेशन ये होगी. अब यहाँ थीटा जो भी वैल्यू गिवन होगी हम लोग पुट कर देंगे
अभी मैं आपको इसका क्वेश्चन कराती हूँ, मैं भी मैं इसका एक क्वेश्चन करा दूंगी, तब आप थोड़ा इसको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका फेस। ये देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हूज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन 4 यूनिट। ये लाइन है ये, और इसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 यूनिट है, एंड एंगल एन एंगल विच द नॉर्मल मेक विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस 15 डिग्री। मीन्स पी की वैल्यू 4 यूनिट एंड ओमेगा की वैल्यू 15 डिग्री। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है इसकी, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल्स टू पी। एक्स कॉस ओमेगा कितना हो गया, कॉस 15 डिग्री प्लस वाई साइन 15 डिग्री इक्वल्स टू 4। अब हम कॉस 15 डिग्री और साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। तो यदि टेबल गिवन होती है तो वो हम टेबल से देख लेते हैं, अदरवाइज यहाँ पर कॉस 15 डिग्री की वैल्यू आपको ट्रिग्नोमेट्री में जो आइडेंटिटीज आपको लर्न होंगी वो आइडेंटिटी का हम लोग इसमें यूज करेंगे। कॉस 15 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 15 डिग्री हो गया। अब कॉस ए माइनस बी वाला फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे, कॉस ए 45 डिग्री कॉस बी 30 डिग्री हो गया प्लस साइन ए 45 डिग्री और साइन बी 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। कॉस 30 की वैल्यू क्या हो गई, √3/2 प्लस 1/√2 1/2 इक्वल्स टू आ गया 2√2√3+1। ये कॉस 15 डिग्री की वैल्यू आ गई। हमने कैसे निकाली, कॉस 15 डिग्री को हमने लिख लिया 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री और अब ए कॉस ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा दिया, क्या होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन बी साइन बी, दैट्स इट। उसके बाद वैल्यू आ गई, तो यहाँ कॉस 15 की वैल्यू मैं लिख ही देती हूँ, यहाँ पर नीचे लिख देती हूँ नेक्स्ट लाइन में, एक्स √3+1 2√2 वाई। इसी तरह से साइन 15 डिग्री की हम लोग वैल्यू निकालेंगे, साइन 15 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 15 डिग्री साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। इसमें आइडेंटिटी में क्या होता है, साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए इज 45 डिग्री कॉस बी कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस ए 45 डिग्री और साइन बी 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे, वन बाई रूट टू इंटू 1/√3/2 माइनस 1/√2 इंटू 1/2। तो सेम ही आ गया, सिर्फ यहाँ पर क्या जाएगा, √3 - 1/√2 इक्वल्स टू 4। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे 2√2 है, 2√2 को इधर ले जा लेंगे हम लोग, सिंपलेस बना के लिखते हैं ना इसको हम लोग, तो ये हो जाएगा √3+1 एक्स प्लस √3 - 1 वाई इक्वल्स टू 8√। इसको हम थोड़ा सा ऐसे भी और लिख सकते हैं, √3+1 एक्स प्लस √3 - 1 वाई
माइनस ए टू टू इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि कोई सभी लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, सभी इसी फॉर्म में होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। इसको हम जितनी मैंने अभी फॉर्म्स बताई हैं उस फॉर्म में इस इक्वेशन को लिखेंगे, और उसी से फिर हम स्लोप निकालना है, पॉइंट निकालना है। अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी मैं, तब आपको और ठीक है। तो मैंने मेन मेन जो फॉर्म आपकी है वो मैंने सारी इक्वेशन लाइन क्या क्या हमें कौन कौन सी कंडीशन उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको सब करवा दी मैंने उसको। ये इनकी जब ये वाली जब मैं फॉर्म कराऊंगी इस इक्वे इससे ही बाकी सब फॉर्म बनाऊंगी, तब आपको सारी क्वेश्चन लाइन और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है फिर, ओके देन, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।